उदय जी, मेरा सीधा से सवाल आपसे यह है, संस्कृति मंत्रालय की ये जो पत्रिका है, क्या इसके जरिए ये बताने की कोशिश है कि एक जो शख्स रहा है वो ओवररेटेड है और दूसरा ओरिजिनल है? क्या इसको इस तौर पर रीड किया जाए, या आपको लग रहा है कि नहीं, वक्त आ गया है जब इतिहास में किसी को सही दर्जा नहीं मिला है तो कम से कम उसे उसकी सही प्रतिष्ठा के बारे में बताया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए कि उसकी कहानी क्या रही है? आप मेरे से पूछ रही हैं? जी जी चित्रा, हाँ, ऐसा है कि मैं जो इस प्रोग्राम में अपियर हो रहा हूं वो एक ऑथर और एक इतिहासकार के रूप में अपियर हो रहा हूं, नॉट एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जी जी इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि मैंने किताब लिखी है वीर सावरकर के ऊपर, अभी मेरे और मेरे सह लेखक ने, इसके लिए मैं यहां पे हूं। देखिए, करीबन 60 साल तक भारत के इतिहास को दबाने का प्रयत्न किया और एक साइड को पूरा एक तरीके से ब्लैकआउट करने का प्रयत्न किया। आज जो है वो जो इतिहास के साथ खिलवाड़ हुई थी उसको दुरुस्त करने का प्रयास है, ये वो प्रक्रिया शुरू हुई है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन कह रही हैं, वीर सावरकर ने दो फ्रंट पे लड़ाई लड़ी, एक ब्रिटिशरों के सामने लड़ी 1937 की बात कर रहा हूं मैं, और दूसरी लड़ी उन्होंने जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी कांग्रेस की, उसके सामने। और 1937 में जब वो पॉलिटिक्स में आए तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहचान लिया कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो दौर कांग्रेस ने शुरू किया है उससे भारत को बहुत नुकसान होगा और भारत का विभाजन भी हो सकता है। मेरी जो किताब है, हम मेरी और मेरे सह लेखक चिरायु पंडित की, मैं प्रार्थना करूंगा कि खुले मन से उसको पढ़ें, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। दूसरा, माफी पत्र पे कई बातें निकली, सुनिए आप, छत्रपति शिवाजी को आप हीरो मानते हैं कि नहीं मानते? छत्रपति शिवाजी हमारे जो 3-4 प्रमुख हीरो हैं भारत के, उनमें से एक हैं। उस छत्रपति शिवाजी ने अपने चाणक्य नीति के भाग रूप औरंगजेब को 5 माफी पत्र लिखे थे, 5, उसमें से 3 माफी पत्र के बाद में संधि हुई थी मुगलों और औरंगजेब और औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, वो तीनों तीन संधियां शिवाजी ने खुद ने तोड़ी थी। तो वीर सावरकर का जो प्रयास था जेल से बाहर निकलने का, वो एक बहुत बड़ी, जिसको बोलते चाणक्य नीति का भाग था, एक। दूसरा, वहां पे जो ब्रिटिश अधिकारी जो आते थे जेल से जो संबंधित थे, उन्होंने जब 1914 में एक लेटर लिखा कि भाई वहां पे जो कैदी हैं उनको, जिनको 5 साल हो गए कठोर कारावास में, उनको बाहर रहने की छूट दी जाए समुद्र किनारे, तो उसमें खास लिखा गया कि सावरकर को छूट मत देना, क्योंकि सावरकर के जो माफी पत्र हैं वो बिल्कुल धूल झोंकने वाले हैं अंग्रेजों की आंखों में, और उनके जो क्रांतिकारी मित्र हैं यूरोप के, वो आएंगे, शिप लेके आएंगे, एक वाहन लेके आएंगे, और सावरकर को अगर उनको बाहर छोड़ा तो उनको उठा के ले जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी बात देखिए, ऐसा है कि सावरकर जो है वो देश की एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक हैं। तो जो लोग भारत में, जिनका पोषण विभाजित भारत पे होता है, उनके लिए अनिवार्य है कि सावरकर को विलेन के स्वरूप में प्रस्तुत करें। इतिहास में जो गलत तथ्य दिए गए हैं दूसरा ने अपने पास से जाते बहुत समय दिया इनको, आपने जो सवाल खड़े किए हैं रागनी उसका जवाब देना चाहती हैं। रागनी नायक जी, मैं और लौट रही हूं, मैं लौट रही हूं, एक बार आपने जो सवाल खड़े किए हैं रागनी से उसका जवाब दे लेती हूं। रागनी नायक, उनका ये कहना है कि दरअसल, ठीक है सर, मैं लौट सावरकर वॉज ग्रेट पैट्रियट, और सावरकर के ऊपर एक लेख अगर छपता है गांधीयन मैगजीन के अंदर तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनकी कहानी को जो कम कर रखा गया सावरकर जी ने, और जो गांधी आरोप लगाए उन्होंने एक बार तो सावरकर जी ने गांधी जी को, मैं जवाब ले लेती हूं। हुआ है नेशनल एसेट, देखिए जो तथा कथित लेखक बैठे हैं आपके चैनल पर, इनको थोड़ा पढ़ के आना चाहिए विषय के बारे में। कह रहे एक लेख नहीं है सर, पूरा विशेषांक है, ऐसा विशेषांक जिसमें 13 लेख सावरकर के ऊपर हैं और 3 लेख गांधी के ऊपर हैं।
आवाज सुन लीजिए। आप नहीं, मुझे मेरी आपकी किताब किताब पढ़े नहीं हो फिर पढ़नी है। मुझे आप चैलेंज पहले करें ना? आप आप अपने मेरा सवाल पूछा है किताब तो का जवाब पढ़े सुनने बिना का कैसे तैयार चैलेंज करें रखिए, आप? या फिर मान लीजिए कि आप भाजपा की बैटिंग करने के राजनीति लिए आए। नहीं सुन आप कर लीजिए, सकते तो फिर आप चैलेंज नहीं सुन कर सकते। लीजिए आप सुनिए उदय फिर जी, सुन लीजिए, आप थोड़ा सुनिए, धैर्य रखिए, सुन लीजिए सर। आप इतने आपका बड़े जो लेखक पूरा हैं, वन साइडेड इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, कमिश्नर हैं, आपने सावरकर भारतीय ने जनता पार्टी कई की लोगों को सरकार ने, आपने मोदी जी आपने की सरकार अंधेरे ने में आपको रखा, इन्फॉर्मेशन उनके योगदान कमिश्नर को दबा बनाया कर है। रखा 60 साल कम तक। से कम उस पद की अप्रक्रिया प्रक्रिया गरिमा शुरू हुई रखिए। है तो देखिए, मैंने इतिहास को, साधारण सा इतिहास सवाल को दुरुस्त पूछा। करने सबसे की। पहली बात, अगर इतने बड़े वीर थे तो सॉलिटरी गरिमा कन्फाइनमेंट आप से रखिए ना, बचने के लिए आप अपने एक राष्ट्रीय साथियों की पार्टी की भूख हड़ताल स्पोक्सपर्सन में है शामिल क्यों और नहीं हुए? इतना झूठ अंडमान के चलाती हैं, सेल्यूलर जेल में आपको मैंने आपको पहली शर्म बात नहीं आती? सुनी। आप मुझे पूछ बहुत चल रही इतने हैं आप। बड़े वीर थे तो मुझे बताइए कि अंग्रेजों को ये क्यों लिखा कि मैं आपका स्टॉन्च सपोर्टर बन के रहूंगा, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में नहीं पड़ूंगा? इतने बड़े वीर थे और षड्यंत्र और चकमा दे रहे थे शिवाजी की तरह, अरे तो मैं तो बाहर कहा विनय कर निकलकर रहा हूँ, अंग्रेजों के दिए हुए मैं बंगले में क्यों रहे? राजनी जी, अंग्रेजों के दिए हुए पेंशन आप पे क्यों डिबेट रहे? को कांग्रेस राजनी जी, पार्टी और देश आप की डिबेट जनता के को तमाम सर्च पे मत आंदोलन करिए, जो स्वतंत्रता संग्राम के आप थे, डिबेट को उनमें अलग से डायरेक्शन किसी मत ले भी जाइए। एक में मैंने हिंदू माफी पत्र महासभा के लिखा था, साथ उसे शामिल मना क्यों नहीं नहीं हुए? किया। मैं जानना चाहती हूँ, बोल 1937 में बोल के भारत आप के सत्य को, विभाजन के सत्य को बीच गलत साबित नहीं कर क्यों बोए सकती। उन्होंने, आप जब ये समझिए कहा कि भारत हिंदू जो है उनकी चित्रा, पितृभूमि और पुण्य भूमि है, बाकी सब लोग इस देश से बाहर चले जाएं, हिंदू आप एक राष्ट्र ही और बात मुस्लिम राष्ट्र को अलग दोहरा होना के चाहिए, ये आप सबसे पहली सत्य बार को बोलने गलत वाले साबित नहीं कर सावरकर सकती। थे। नंबर एक, और आप कह रहे हैं कि वो दूसरा, यूनिटी यानी कि आप देश मेरी की किताब, एकता और अखंडता अगर से आप भारत मेरी थे, किताब पढ़ेंगे आपको तो ही मैं शर्म आपसे आनी बात चाहिए करूंगा, इस तरह से वरना झूठ आपका तो बोलने के कैंपेन लिए। है। अगर इस देश में बंटवारे की राजनीति किसी ने आप शुरू की, मिसेज बीज बोए जिसकी फसल जिन्ना और उनकी पार्टी ने काटी है, तो वो सावरकर है। और यही हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ सिंध में और बंगाल में सरकार भी बनाए बैठी थी, ये भी बताइए देश की जनता को। एक आप बात ये जो को इतिहास को घड़ी संदर्भ घड़ी से दोहराने तोड़कर से वो बात सच नहीं गलत हो जाती तरीके राजनी से जी। प्रस्तुत कर रहे हैं, आज आपने भी गांधी के साल बिना तक नहीं आएगा। रागनी सावरकर ने नहीं, तथ्यों के आधार पर ये किताब लिखी है, कई सारे किसी को भी दोनों सर्टिफिकेट देने में इच्छुक नहीं है। ठीक है, आपकी भी बात हो गई उदय जी, दोनों लोग साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, दोनों लोग साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। रागनी नायक जी, रागनी नायक जी प्लीज, रागनी नायक जी, अगर कोई किताब लिखता है तथ्यों और तथ्य के आधार पर ही लिखेगा ना, अगर उनकी भी किताब की समय और परिस्थितियों के हिसाब से किताब लिखी जा रही है तो उनके भी किताब की कम से कम आप एक एक कम से कम अपनी सहमति दे दीजिए। उदय मावलकर जी, जल्दी से अपनी बात कीजिए, उसके बाद दबाने का प्रयास किया है, आपके इतिहास को बताइए, कांग्रेस के योगदान को दबाने का प्रयास किया है। हाँ चित्रा जी, आप क्या पूछ रही हैं? उदय जी क्या बोल रहे थे आप? ये लगातार तो मेरे बीच में बोलते रहे। नहीं, ये कह रहा था मैं आपसे आजादी कह के रही अमृत हूँ, महोत्सव आप इतने में बड़े जो इतिहासकार सरकार, हैं, एक आंदोलन तो बता मेरी दीजिए, मेरी बात सुननी पड़ेगी इनको। कौन सा नहीं तो आंदोलन किया था चित्रा, भारतीय अगर नहीं सुनते सुन सुनते किसी इनको आप माफी वीर थे, आपको मैंने मैंने इनको चैलेंज नहीं किया हुआ है चित्रा, मैंने इनको चैलेंज नहीं किया, इनको आप बंद करवाइए। आंदोलन में हिस्सा लिया था उसका नाम बता दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी। ठीक है सुधांशु जी, चित्रा मैंने इनको चैलेंज नहीं किया है, ये जब बोल रहे थे मैंने इनको रोका नहीं है। ठीक है ठीक है, मेरे मुद्दा से बात करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके जी। चित्रा जी, यदि आप रागनी जी, मैं जब बोलता हूं रागनी जी बोलती, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता हूं, यदि रागनी जी का फीडर आप ऑफ कर दें तो मैं बोलने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मुझे पता है वो डिबेट को डिबेट करने के लिए आई, अन्यथा कोई बात नहीं, उन्हें अपना एक एक पक्षीय प्रवचन देने दीजिए। नहीं नहीं आप बोलिए, वो चुप रहेंगी, बोलिए। मैं प्रयास करता हूं फिर एक बार मैं प्रयास करता हूं, सिर्फ चार तथ्य जिसका मुझे जवाब नहीं मिला। एक, वीर सावरकर को दो जन्मों के कारावास के समय ब्रिटिश सचिव था, सेक्रेटरी। नंबर दो, देश का विभाजन 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यह समझौता हुआ कि देश के कुछ निर्वाचन क्षेत्र सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षित रहेंगे और यहीं से विभाजन की नींव पड़ी, इसमें सावरकर कहीं नहीं। नंबर तीन, मैंने पूछा था कि नेहरू जी 1946 में किसके प्रति हैं, 1946 में किसके प्रति निष्ठा की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने थे, आज फिर उसी पे आ गए, फिर उसी पे आ गए, सब नहीं बोल सकते इस तरीके से। ठीक है प्लीज मैम, रागनी नायक जी प्लीज, सब मैंने वो सवाल पूछ तो लिया, आप जवाब सुनने का धैर्य दिखाइए रागनी नायक जी, ये तरीका ठीक नहीं है कि सबके बीच में बीच में बोले और उसके बाद प्रतीक्षा कर रहा हूँ। रागनी जी, आपके तमाम गलत बातों के बाद मैं अपने धन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और दिख रहा है कौन गांधीवादी है और कौन हिंसावादी है। अब मैं एक बस दूसरी बात बताना चाहता हूँ, ये महात्मा गांधी को कितनी सिक्योरिटी मिली थी और उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, जवाब दीजिए ना। अरे बताइए पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ महात्मा गांधी का, जवाब दीजिए, कितनी गोलियां लगी थी।
वो पूछ रहे हैं कितने गोलियां गांधी जी को कितनी सपोर्टन क्यों नहीं किया गया और कितनी गोलियां लगी और पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया इसका जवाब दे दीजिए आप। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ गांधी जी को लगातार दोनों लोग बोल रहे हैं कैसे समझ में आ गया गांधी जी को 40 दिन तक अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया इसका जवाब चाहिए।